खबर हनुमानगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षकों ने सोमवार को जिला एकीकृत नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। कलेक्टर कार्यालय के कक्ष नंबर 206 में सामान्य पर्यवेक्षक मनोज कुमार और पुलिस पर्यवेक्षक प्रवीण तबजी पहुंचे। यहां विभिन्न प्रकोष्ठों का निरीक्षण करते हुए जिले की 16 इंटरस्टेट बॉर्डर चेकपोस्ट की वेबकास्टिंग प्रक्रिया को देखा। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने पर्यवेक्षकों को मीडिया सेंटर, MCMC, सोशल मीडिया निगरानी, CVGL, आचार संहिता नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर 1950 के संचालन की कार्यप्रणाली एवं कार्य प्रगति की जानकारी दी।